अस्सलाम वालेकुम। आज हम नींबू का और मिर्ची का अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर एक पतीला रखा है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी बॉईल आने के लिए रखा है और ये 15 से 20 नींबू है। इसे मैंने छोटे छोटे स्लाइस करके ऐसे कट करके लिए है। अब हम इसे छन्नी पर रखकर ऐसे इसे ढककर हमें मीडियम आंच पर 15 मिनट पकाकर यानी एक भाप देकर लेना है। अब हमारे नींबू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में निकाल कर रखेंगे। अब हमें नींबू के अचार के लिए बगार बनाना है। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल डालेंगे 1 चम्मच भर के। तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसी में हम 15 से 20 लहसुन की कलियां लिए हैं, इसे हमने दरदरा कूट कर लिया है। इसी में हम राई की दाल है ये 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। इसी में हमें 1 चम्मच जीरा डालना है। और 10 से 12 हरी मिर्च है, मैंने ऐसे ऐसे काट कर ली हूँ। इसे हमें अच्छे से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब हमारा मिर्ची लहसुन फ्राई हो चुका है, अब हमें गैस को बंद कर देंगे। इसी में हम 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसी में हम नींबू डालेंगे और नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। एक बार अच्छे से इसे मिलाकर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।